आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दिस वन मार्क्स क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई बोर्ड में एक प्रैक्टिस के रूप में हम देखेंगे। इससे पहले कि एक वीडियो में मैंने आपसे बात किया है जहां मैंने आपके लगभग आधे सिलेबस के वन मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने देखा है। आज हम उस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम बाकी सिलेबस में देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। So, यहां जो आपको एक क्वेश्चन, यहां पहला क्वेश्चन जो दिखता है वो है द डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन रीजन इज कॉज्ड बाय। जो डिप्लीशन लेयर है वो किस लिए आपका बन जाता है एक पीएन जंक्शन में या पीएन जंक्शन रीजन में किस कारण से बनता है। सो देखिए, जब आप एक पीएन जंक्शन को जोड़ते हैं तो एक तरफ आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एन में आपका मेजोरिटी के रूप में रहते हैं और पी के रूप में वो माइनॉरिटी के रूप में रहते हैं। तो एक नेचुरल टेंडेंसी के कारण वो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं और सेम होल के साथ भी वही होता है, ठीक है। और ये आपका जंक्शन के करीब जाके दोनों रिकम्बाइन कर जाते हैं और वहां पर आपका फिर कोई भी फ्री चार्जेस नहीं रहता, ठीक है। जैसे आपके होल से इलेक्ट्रॉन जो फ्री रूप में नहीं रहते क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन हो जाता है और वहां पर आपके सिर्फ डोनर और एक्सेप्टर एटम्स रहते हैं। तो ऐसे केस में हम पाते हैं कि वो ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जहां आपके मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो मूव कर सकते हैं वैसे चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव जो करना है ये आपका डिफ्यूजन कहलाता है। तो यहां जो आंसर होगा वो होगा डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो जो डिप्लीशन लेयर आपका बनता है वो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण बनता है। अगले सवाल पे चलते हैं। ए सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, इट्स रेजिस्टेंस इज। अब देखिए, T1 से T2 की तरफ ही कूल किया गया, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने कूल किया। कूल किया मतलब आपने टेम्परेचर को कम किया। तो आप पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस का क्या हुआ, जैसे मतलब बढ़ा या घटा, ये हमें बताना है, ठीक है। सो देखिए, जो सेमीकंडक्टर में है आपको पता है कि अल्फा होता है नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव होने का मतलब है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इसका रेजिस्टेंस घटता है। तो यहां तो घट रहा है तो क्या होगा आपका, तो यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका बढ़ जाएगा। सो इट विल इंक्रीज, ठीक है। सो आपको इस तरह से हम समझ सकते हैं आपका, ठीक है, आपका इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में ये नेगेटिव होता है, मेटल्स में आपका ये पॉजिटिव होता है, इसलिए वहां पर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल्स में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, इन कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर द फॉरबिडन गैप आर E1, E2 एंड E3। सो आपके तीन फॉरबिडन गैप है रेस्पेक्टिवली। सो ये आपका E3 इंसुलेटर के लिए हो गया, E2 सेमीकंडक्टर के लिए हो गया, E1 हो गया आपका कंडक्टर के लिए। अब आपको इनके बीच का रिलेशनशिप बताना है। देखिए, हमें पता है कि आपका मेटल्स के केस में या कंडक्टर्स के केस में कई कई जगह पर तो ओवरलैपिंग हो जाती है, मतलब गैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और आपका सेमीकंडक्टर में ये गैप सबसे ज्यादा होता है। सो E3 जो कि सेमीकंडक्टर में है वो सबसे बड़ा होगा, फिर आपका E2 होगा, फिर आपका E1 होगा। तो यहां अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा ए ऑप्शन हमें नजर आता है जहां E1 लेस देन E2 लेस देन E3 या E3 सबसे बड़ा है, फिर E2, फिर E1 आपका आता है। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन द रेशियो A 27/125। So, आपका जो A1/A2 जो मास नंबर का रेशियो है वो है 27/125। अब आपको इनके रेडियाई का रेशियो चाहिए। देखिए, हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं सिंपली R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2^1/3। और आपको देखिए ये नंबर देखने से समझ आ गया होगा क्योंकि यहां पर आपको 27 दिया है और 125 दिया है जिसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं आराम से। तो हमारा R1/R2 हो जाएगा 27 को, यहां हो जाएगा 3 और 125 के लिए यहां हो जाएगा 5।
सो इसका आंसर हो जाएगा 3:5। ठीक है, सो ये रिलेशनशिप हमें याद रखना है इसके अंदर, ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मास नंबर एंड द रेडियस। आगे बढ़ते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट इज, विच मींस द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इज नॉट फ्री। देखिए, इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है न्यूक्लियस में, यह बताता है कि जो एनर्जी आपकी है वो नेगेटिव होगी। तो एनर्जी जो आपको मिलती है, जैसे आप हाइड्रोजन के केस में भी जो वैल्यू मिलता है, जैसे -13.6 बाय एन स्क्वायर आपको जो फॉर्मूला रिसीव मिलता है, ये आपको नेगेटिव वैल्यू क्यों मिलता है? ये इसलिए मिलता है क्योंकि ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, इट इज बाउंड, इसलिए उसकी जो वैल्यू है एनर्जी की वो नेगेटिव में है। ठीक है, अगर आपको फ्री करना है तो उतनी आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर आप जानते हैं कि जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑर्बिट जो होती है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स उसके बाउंडेशन से बाहर चला जाता है या उसके इन्फ्लुएंस से दूर चला जाता है, वहां पर एनर्जी हम जीरो लेते हैं, क्योंकि आप इतनी ही अगर प्लस में दे दोगे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी और वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर से है। हैवी वाटर इज डैश विच स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स टू थर्मल वेलोसिटी सो दैट दे कैन कॉज फिजन। देखो, बेसिकली हैवी वाटर एक मॉडरेटर होता है। ठीक है, मॉडरेटर का काम क्या है? मॉडरेटर का काम है स्लो डाउन करना। जब आपका यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन आपका फिजन कर रहा होता है, तो अगर ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है तो ये कोई फिजन पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए इंटरैक्शन जरूरी है दोनों में, दोनों न्यूक्लियस में इंटरैक्शन जरूरी है। अगर आपका जो न्यूट्रॉन है वो फास्ट मूविंग है तो वो इंटरैक्ट ही नहीं करेगा यूरेनियम के साथ, इंटरैक्ट नहीं करेगा तो कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं बनेगा, फिर आगे करके वो फिजन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, बेरियम क्रिप्टॉन जो बनना है वो नहीं बनना है, तो उसके लिए जरूरी है इंटरैक्ट करना और उसके लिए जरूरी है इनका स्लो डाउन होना। ठीक है, और इसी स्लो डाउन करने के लिए हम हैवी वाटर, जिसको हम मॉडरेटर कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी पोजेस बाय इलेक्ट्रॉन इन एन टेंड्स टू इन्फिनिट ऑर्बिट इज, अभी हमने बात किया, देखिए यहां अभी बात किया, जो यहां पर एनर्जी ये हो जाएगी आपकी जीरो, जो इन्फिनिट ऑर्बिट के लिए है, मतलब यहां पर आप मान के चलते हैं कि वो फ्री हो गया या आपका उससे बाहर चला गया। द साइज ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। सो रेडियस, साइज रिफर्स टू, अगर आप साइज जैसे ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो साइज बेसिकली आप बात कर रहे हैं रेडियस की। ठीक है, सो द रेडियस इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, और आप बोल रहे हैं कि सेकेंड ऑर्बिट का आपका कितना होगा। देखिए, अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो आप वहां पाएंगे कि इट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। जो ऑर्बिट्स हैं आपका, फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, इसमें ये जो एन है आपका, उसके स्क्वायर के ये प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है आपका, तो हम जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये आपका जो भी जिस भी ऑर्बिट के लिए या सेकेंड ऑर्बिट के लिए जैसे हम निकाल रहे हैं, इक्वल टू एन वन बाई एन टू होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। इसी को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें आपका, तो ये हो जाता है आपका 0.5, आर टू हमें निकालना है, एन वन है 1, एन टू है आपका सेकेंड ऑर्बिट, तो 2, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4, तो यहां से हमें आर टू कितना मिल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिल गया 2 एंगस्ट्रॉम। सो ये आपका आंसर हो गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखने वाली बात वो ये है कि R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पास्टन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वो उसमें n1 और n2 कौन सा होगा, ये हमें पता करना है। देखिए, शॉर्टेस्ट के लिए आपका जो पास्टन है आपका, तो n1 तो आपका हो गया 3। ठीक है, n2 आपका शॉर्टेस्ट के लिए हो जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, जब इन्फिनिटी से 3 की तरफ आएगा तब वो सबसे छोटा वेवलेंथ होगा। ठीक है, फॉर्मूला के से ही आप क्लियरली यहां देख सकते हैं, छोटा होने के लिए उसको इन्फिनिटी से 3 की तरफ आना होगा।
ठीक, ये हो गया आपका। सो यहां पर देखें तो हमारा n1 होना चाहिए 3, n2 होना चाहिए इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट में पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन विच ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ वेवलेंथ इतना। सो भाई आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है आपका दिया हुआ है, इसमें एक आपका स्पेक्ट्रल लाइन निकल रहा है, बहुत सारे ट्रांजिशन है, यहाँ ए बी सी डी चार ट्रांजिशन दिखाए गए हैं, है ना, अलग अलग लेवल से आपका गिर रहे हैं, हायर लेवल टू लोअर लेवल आ रहे हैं आपका, मतलब जाहिर सी बात है एनर्जी रिलीज होगी। तो एक वेवलेंथ इसमें रिलीज हो रहा है और वो वेवलेंथ है 102.7 नैनोमीटर का। आपको बताना है इन चारों में से कौन से ट्रांजिशन में इतना वेवलेंथ निकलेगा। तो हर एक ट्रांजिशन का एनर्जी निकाल के फिर वेवलेंथ निकाल के करना, दैट इज कंबर्सम, वो बहुत ज्यादा काम करना हो जाएगा। ठीक है, सही तरीका क्या है, वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल दीजिए और देखिए कौन सा एनर्जी ये ट्रांजिशन को मैच करता है। तो अगर हम वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाले तो हमको पता है ई इज इक्वल टू एच न्यू या ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो हम एनर्जी निकाल देते हैं इस लैम्डा के हिसाब से। तो एच हो गया आपका 6.6 इंटू 10^-34, सी हो गया 3 × 10^8 और लैम्डा आपका हो गया जो दिया हुआ है 102.7 × 10^-9 है तो 9 हो गया। ध्यान दीजिएगा सारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक, ऑल द एनर्जीज आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इसको 1.6 × 10^-19 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, वरना ये जूल में आएगा। अगर आप इसे डिवाइड नहीं करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा। सो इफ यू सॉल्व इट आउट दिस विल कम्स आउट टू बी अराउंड 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। तो एनर्जी जो आ गई इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग वो है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको देखना है एबीसीडी जो चार ट्रांजिशन है उसमें 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस वाला कौन सा है। तो ऐसे भी ये ज्यादा वैल्यू है, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये ट्रांजिशन जो देखिए आपको डी डी को देखिए जो यहां से यहां आ रहा है, सो वन पॉइंट ये -1.5 से -13.6 में आ रहा है ये, ठीक, ये जो डिफरेंस होगा आपको डी ये हो जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें यहाँ 1.5 13.6 डिफरेंस आ रहा है 12.1 का, बाकी सब आपका कोई भी इसके बराबर नहीं आ रहा, बाकी सब छोटे छोटे हैं ए बी सी आपके। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसमें यही बात है कि जो भी वेवलेंथ दे उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लीजिए। एनर्जी निकालते समय ध्यान देंगे कि ऐसे अगर आप सारे जो वैल्यूज हैं एसआई यूनिट में पुट करते हैं, जो भी हमने एच का सी का लेमडा का एसआई यूनिट में किया तो हमें जूल में मिलेगा एनर्जी, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहां सारे वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द फेमस बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देखिए ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बोर ने कहा था कि उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल है। सो दिस इज द आंसर। सो एंगुलर मोमेंटम should be an multiple of h/2π का मल्टीपल होना चाहिए। सो ये हम यहां देखते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन आपका आता है। विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाई इन यूवी। सो यूवी में आपका कौन सा है, तो देखिए पहला ही जो जैसे लाइमन बाल्मर पास्चन ये समय हमें पता है, जो लाइमन होता है पहला यही आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में। कहने का मतलब है कि इसमें जब आपका ट्रांजिशन होगा और आपके फोटॉन्स निकलेंगे तो वो फोटॉन्स आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में जो एनर्जी कैरी करता है या जो वेवलेंथ कैरी करते हैं उनके बराबर होगा। ठीक है, सो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाइमन। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर द गिवन डायग्राम फॉर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए यहां पर आपका एक डायग्राम बनाया गया है जो कि आपको पता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला डायग्राम है, दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन और इसमें एनोड पोटेंशियल और इस तरह से फोटो करंट है इस समय इस तरफ आपका, इसके बीच में ये ग्राफ है।
तो यहां देखिए आपका अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल आया है। अब आपको बताना है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये हम कैसे बताएंगे? तो हम देखेंगे जिसमें ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, जैसे VC3 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सबसे बड़ा है कंपेयर टू VC2, बड़ा है VC1 से। देखने से आपको यहां मिल जाता है VC3 सबसे बड़ा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे बड़ी होगी, वो ज्यादा होगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? न्यू3 है। सो न्यू3 बड़ा होगा, फिर न्यू2 होगा, फिर आपका न्यू1 होगा। क्योंकि देखिए जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आपका यहां पर ये कैथोड है, ठीक है, सो आपका ये फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी जब एनर्जी ज्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेंगे। तो उनको रोकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए जो आप एनोड में नेगेटिव पोटेंशियल देते हो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे हैं। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा तो ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, जो कि VC3 में है, इसीलिए आपका न्यू3 बड़ा है, फिर न्यू2 है, फिर न्यू1 है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ पर बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपेयर करने के लिए और कई सारे फॉर्मूला इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हमेशा हमें देखना है कि क्या क्वेश्चन में दिया है उसके आधार पर। तो यहां तो एक वेवलेंथ हो गया डी ब्रोगली और दूसरा हो गया मोमेंटम, तो ऐसा फॉर्मूला इसका लो जिसमें ये दोनों आते हो। तो सबसे सिंपलेस्ट वाला जो फॉर्मूला है H/P, यही है, ठीक है। अब दो पार्टिकल्स का मोमेंटम आपने इक्वल कर दिया, P1 = P2 कर दिया, H तो दोनों के लिए सेम होगा, वो कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है आपका लैम्डा भी सेम हो गया, दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो हो गया 1:1, ठीक है। पर कई बार क्या होता है काइनेटिक एनर्जी को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको फिर वहां पर H/P की जगह आपको लेना पड़ेगा फिर √2mK, ये आपको लेना पड़ेगा अगर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ यहां पर अगर इंफॉर्मेशन दिया हो तब। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के कई सारे फॉर्मूला होते हैं, आपको जो क्वेश्चन में दिया है जो या मांग रहा है उसके आधार पे फॉर्मूला का सिलेक्शन करना पड़ता है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल हैविंग वर्क फंक्शन फाइन नॉट इज लैम्डा नॉट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल हुज वर्क फंक्शन इज फाइन नॉट बाय 2। सो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है जो वर्क फंक्शन है आपका, जो कि हमें पता है होता है H/ν, तो उसके लिए लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो इसका मतलब HC λ0, ये हो गया आपको, मान लो इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब आपने व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर ए मेटल हुज वर्क फंक्शन इज फाइन नॉट बाय 2, तो आपने एक नया मान लो कोई वर्क फंक्शन ले लिया, ठीक है, और उसका आपको निकालना है कि उसका जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो कितना है। पर दोनों में रिलेशनशिप दिया हुआ है कि पहले का अगर फाइन आउट है तो दूसरे वाले का फाइन आउट बाय 2 है, तो इस इक्वेशन में, इस वाले में, इस फाइन आउट जो हमने डैश लिया है इसको हम लिख देते हैं फाइन आउट बाय 2 इज इक्वल टू HC/λ0, ठीक है। ये लैम्डा नॉट डैश हमारा जो नया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमें निकालना है वो है, पर फाइन आउट कितना है इक्वेशन 1 से, फाइन आउट है HC/λ0, तो फाइन आउट की जगह पुट कर देते हैं HC/λ0 × 2 इज इक्वल टू HC/λ0, ये आपका कैंसिल हो गया, आपको मिल गया λ0 = 2 λ0, सो दिस इज द आंसर, 2 λ0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहां ऐसे भी आप लॉजिकली भी देख सकते हैं कि भाई आपका फाइन आउट जो है ना, फाइन आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 λ0, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि H कांस्टेंट, C कांस्टेंट, तो इसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर आपने फाइन आउट को आधा कर दिया तो ये आपका डबल हो जाएगा, जो आंसर में हमें रिफ्लेक्ट भी होता है। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी देख के समझ के लिख सकते हैं, क्योंकि आपका H और C तो कोई असर कर नहीं रहे, वो कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विथ एनोड पोटेंशियल फॉर 2 लाइट बीम्स ऑफ सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट इंटेंसिटी, फाइंड द करंट। देखिए आपका जो एक अलग टाइप का है, जो अभी ऑब्जर्वेशन हमने एक देखा था जिसमें फ्रीक्वेंसी से था, यहाँ इंटेंसिटी वाला है, और यहाँ हमें एक रिलेशनशिप जो हम जानते हैं उसका उपयोग होगा,
और वो रिलेशनशिप क्या है कि आपका जो फोटो करंट होता है, फोटो करंट वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। इस कॉन्सेप्ट का यहां यूज किया जा रहा है। तो फोटो करंट आपका डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो करंट क्योंकि डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, और यहां देखिए इस वाले के लिए करंट हाई है आपका और इस वाले के लिए करंट आपका लो है। इस इंटेंसिटी के लिए I1 इंटेंसिटी के लिए लो है और I2 के लिए हाई है, ऊपर है ग्राफ, ठीक है। आपका Y एक्सिस में है फोटो करंट, तो Y एक्सिस में ये ज्यादा ऊपर है, तो जाहिर सी बात है I2 इज ग्रेटर देन I1 हो जाएगा, तो आपका I2 ग्रेटर देन दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी देन डिटरमाइन देन देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ कंपैरिजन। देखिए वही जो मैं बात कर रहा था, वही वाला ये क्वेश्चन है आपका। यहां आपका अगेन डी ब्रोगली वेवलेंथ से बात हो रही है, पर अब जो बात हो रही है वो आपका काइनेटिक एनर्जी के रूप में बात हो रही है, और अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स भी आ गए। तो प्रोटोन मतलब ऐसा लिख दिया, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉन आपका क्या 1 0, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा 0 -1, अल्फा क्या होगा अल्फा ले लेते हैं 4 2। तो ऐसे लिख देने से हमें सुविधा रहती है, जब भी आप एग्जाम में भी करते हैं ऐसे लिख लीजिए, तो आपको कंपेयर करने में सुविधा होगी, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो मास चार्ज का ही है, तो आगे इन्हीं यही क्वांटिटीज आने वाली हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आपका होता है जैसे मैंने बताया एच बाई पी, या एच बाई पी की जगह हम लिख देंगे अंडर रूट 2 mK, ठीक है। अब पता है के होता है पी स्क्वायर बाय 2 m, तो उसी को यहां हम यूज कर रहे हैं, ओके। अगर हम देखें h, तो चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा जो भी हो सबके लिए सेम है, टू भी सेम है, तो आपका जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो आपका प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट, और क्योंकि देखो सेम काइनेटिक एनर्जी भी दे दी सबके लिए, काइनेटिक एनर्जी भी सेम कर दिया, सो दो ही फैक्टर बचे थे, एक था मास एक था काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी भी सबके लिए सेम कर दिया, बोल दिया क्वेश्चन ने कि सबके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो एक ही फैक्टर बचता है वो है मास। अब यहां तो हमें रेशियो नहीं निकालना है, हमें जस्ट कंपेयर करना है कौन बड़ा कौन छोटा। तो क्योंकि वेवलेंथ में देखिए उल्टा पड़ रहा है, मास जिसका कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होता है तो इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद आपका आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगभग सेम है, पर प्रोटॉन थोड़ा सा हल्का है कंपेयर टू न्यूट्रॉन मास के रूप में, तो फिर आ जाएगा प्रोटॉन, फिर आएगा न्यूट्रॉन, और जाहिर सी बात है यहां तो आपका अल्फा सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा। अपोजिट जा रहे हैं क्योंकि मास में आपका मास में अल्फा बड़ा है, फिर न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, पर डी ब्रोगली वेवलेंथ में उल्टा चला जाएगा अगर सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देन अल्फा, ठीक है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का, फिर अल्फा का, ये हो जाएगा आपका। द वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी इज, अब देखो आपका सोर्स अगर मान लो यहां है और कहीं हम ऐसे बढ़ते बढ़ते काफी दूर में इंफिनिटी में हम किसी पॉइंट में ले रहे हैं, इंफिनिटी मतलब रिलेटिवली जब आप सोर्स को आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे वो पॉइंट इन्फिनिटी हम ले रहे हैं। मैंने अपने कई सारे वीडियो में बात भी किया आपको, इन्फिनिटी जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी कोई जगह नहीं है, वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर नहीं है, वो एक रेफरेंस है, एक रिलेटिव टर्म। जब आप सोर्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तब आप इन्फिनिटी पोजिशन पर पहुंच रहे हैं। तो अगर हम ऐसा लेंगे तो हम पाएंगे कि हम जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा वो एक प्लानर वेव फ्रंट मिलेगा, व्हेन वी आर मींस सिचुएटेड एट इन्फिनिटी वेयर सोर्स इज नॉट एबल टू ऑब्जर्व प्रॉपरली, ठीक है। तब आपका ये प्लेन हो जाएगा, जो वेव फ्रंट मिलेगा हमें वो प्लानर मिलेगा, तो इसका आंसर प्लेन होगा आपका। ए लाइन ए बी इन द रे डायग्राम ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट ए लेंस, विच लेंस वी हैव टू से। So, देखिए ये आपका जो ए बी है, ठीक है, दिस इज द ए बी आपका, और लाइट आपकी ऐसे आ रही है, ठीक है, ये लाइट आपका आ रही है ऐसे। देखिए लाइट के साथ क्या हो रहा है वो हमें समझना पड़ेगा, अगर ये लेंस नहीं होता तो लाइट आपका क्या होती, ये लाइट ऐसे जाके ऐसे यहां मिल जाती, ठीक है, ये लाइट आया ऐसे मिल जाती इस जगह पे, ठीक, अगर ये नहीं होता। पर ये लेंस ए बी था,
इसलिए लाइट क्या हुआ, लाइट आपका जैसे डायग्राम के साथ ही मैच कर रहा हूं मैं, लाइट आपका आगे बढ़ के यहां जाके मैच कर गया। तो देखिए क्या हो रहा है, लाइट कन्वर्स तो नहीं कर रहा, अपने एक्चुअल जो रास्ते से वो क्या हुआ और डाइवर्ज हो गया और बाहर की तरफ चला गया है। जो उसका रास्ता था, जो एक्चुअली उसका रास्ता था, जो उसको ओ पे पहुंचा देता, उस रास्ते से वो डाइवर्ज हो गया, है ना, ए बी का के कारण डाइवर्ज होके वो ओ डैश पे मान लो पहुंच गया। तो डाइवर्ज हो रहा है तो ये लेंस आपका हो जाएगा कनकेव, ठीक है। अगर वो इस ओ, जो ओ से पहले अगर यहां कहीं आ जाता, तब हम बोलते ये भी हमारा कन्वेक्स है, क्योंकि और वो कन्वर्ज कर रहा है, अपने एक्चुअल रास्ते से उसे और करीब ला रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपेरेबल वाली बात है, जहां एक्सरे, माइक्रोवेव और विजिबल लाइट के वेवलेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए हमें पता है, अगर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो गामा है, फिर एक्सरे है, फिर आपका बाकी चला जाता है अप टू योर माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम नीचे आ रहे हैं, तो वेवलेंथ में उल्टा चलेगा, ठीक है, दोनों अपोजिट हो जाता है। तो अगर गामा का हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं तो उसकी मिनिमम वेवलेंथ हो जाएगी। तो यहां तो बात वेवलेंथ की है, तो सब अगर हम कंपेयर करें तो यहां सबसे बड़ा तो होगा आपका माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव का वेवलेंथ है। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा विजिबल का, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा एक्सरे का, सबसे बड़ा ये है, फिर विजिबल लाइट होगी, फिर आपका सबसे लास्ट में एक्सरे होगा। और फ्रीक्वेंसी में बोले, अगर ये चीज फ्रीक्वेंसी होती तो ये उल्टा हो जाता, सबसे बड़ा एक्सरे, फिर विजिबल, फिर माइक्रो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। लास्टली, ईएम वेव्स कैन बी प्रोड्यूस बाय अ चार्ज, मतलब किस तरह के चार्ज द्वारा प्रोड्यूस होता है। सो हमें ये पता है, एक्सेलरेटेड चार्ज द्वारा आपका ईएम वेव्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। So, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हमने दो वीडियो में आपके देखे हैं, जो वन मार्क्स के हैं, छोटे क्वेश्चन है। यहाँ मैंने उनके ऑप्शन के साथ उनको शो किया है, पर आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये आजकल अब ऑप्शन के साथ नहीं आ रहे हैं, सैंपल पेपर में इनको डायरेक्टली दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने समझाया भी आपको इस वीडियो में कि आप लॉजिक भी समझ सकें, ठीक है, सिर्फ आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक समझ जाइए तो आप कहीं पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक अलग और नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।